देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि यहां पर मैनपुरी का चुनाव जो है वो बेहद नजदीक आ चुका है। 5 तारीख का समय अब ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव तीनों के तीनों कद्दावर नेता जो है वो चुनावी मैदान में वोट बटोरने की कोशिश में जुट चुके हैं, नेताजी की विरासत को बचाने की कोशिश में जुट चुके हैं। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से चाचा और भतीजे के बीच में एक लकीर खींचती हुई नजर आ रही है और वो लकीर है बगावत की। जी हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, चलिए अब आपको हम ये समझा देते हैं। देखिए, दरअसल यहाँ पर जो है बगावत की लकीर ऐसे खींची जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो है शिवपाल यादव ने अब एक बयान दे दिया है। शिवपाल यादव के इस बयान का मैं जिक्र करूँ आपके सामने, तो उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि अगर उस समय अखिलेश ने हमारी बात मान ली होती, बीते समय हमसे झगड़ा नहीं किए होते और हमारे साथ आगे बढ़ रहे होते तो शायद आज वो मुख्यमंत्री होते। जी आपको बता दें कि वो यहाँ पर समर्थन करने के लिए उतरे हैं डिंपल यादव का, लेकिन डिंपल यादव के समर्थन के बीच में अभी तक उन्होंने अखिलेश यादव पर किसी भी प्रकार का कोई भी निशाना नहीं साधा था, लेकिन एक बार फिर से वो अखिलेश यादव पर बरसते हुए नजर आ गए। खुले मंच से उनका ये बयान सभी लोगों के दिलों में जो है इस बात को लेकर के सवाल पैदा कर चुका है कि क्या अब अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती तेवर जो यहाँ पर शिवपाल यादव के देखे जा रहे थे पहले, क्या वही तेवर एक बार फिर से शुरू होने वाले हैं और क्या सिर्फ और सिर्फ नेता की विरासत को ही बचाने के लिए शिवपाल ने कमबैक किया है लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ आगे काम नहीं करेंगे, यहाँ पर अखिलेश यादव को आगे समर्थन नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ नेताजी की विरासत को लेकर के बहू डिंपल के समर्थन में उतरे शिवपाल यादव ने ये बात भरे मंच से साफ कर दी है। बहरहाल चाचा भतीजे के बीच में चल रहे इस लड़ाई को देख करके ये बात बिल्कुल साफ होता है कि आज इस लड़ाई का फायदा जो है वो कोई तीसरी पार्टी ना उठा ले जाए। क्योंकि देखिए, शिवपाल ने ये बात भी कही है कि भाजपा ने उस समय जो है हमारे चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई का फायदा उठा करके जीत हासिल कर लिया था और आज एक बार फिर से जो है यहाँ पर उसी जीत की नीति दोबारा से ना अपना ले, इसीलिए उन्होंने जो है पार्टी के अंदर कमबैक किया। बहरहाल इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग को क्या लगता है, क्या यहाँ पर शिवपाल यादव जो है वो जिस तरीके से यहाँ एक के बाद एक मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव को बुरा भला भी कह रहे हैं लेकिन डिंपल यादव का समर्थन कर रहे हैं, इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।